तालियों के साथ स्वागत करें गौतम गंभीर जी का। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का। आज इस देश के डिसाइसिव लीडर के नाम से जाने जाते हैं और कई देश हित में जो फैसले श्री अमित शाह जी ने लिए, उन्होंने मेरे साथ साथ इस देश के करोड़ों युवाओं को प्रभावित किया है। मैंने राजनीति में कदम रखा इसलिए कि मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे गृह मंत्री जी से प्रभावित होकर मैं इनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए। मैं हरदीप पुरी जी का भी, अनिल बैजल जी का भी, मनोज तिवारी जी का भी, ओम प्रकाश शर्मा जी का भी और सम्मानित मंच और आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग यहां पर आए। सबसे पहले मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा तोहफा ईस्ट दिल्ली के लोगों को दिया। जो सपना हम सब ने मिलकर देखा था कि ईस्ट दिल्ली को बेस्ट दिल्ली बनाने का, इसकी नींव आज हमारे गृह मंत्री जी के द्वारा रखी जाएगी। इसका मैं और ईस्ट दिल्ली की सारी जनता आपका दिल से आभार प्रकट करती है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने में जो ईस्ट दिल्ली में काम हुए हैं CSR फंड के द्वारा गृह मंत्री जी, उसमें चाहे वो CCTV कैमराज हों, चाहे वो डिजिटल क्लासरूम्स हों, चाहे वो सोलर लाइट्स हो या फिर सैनिटरी पैड मशीन्स हो जो महिलाओं के लिए लगाई गई हैं, हमारा जो लक्ष्य है ईस्ट दिल्ली के हर स्कूल को डिजिटल क्लासरूम बनाना, वो हम लक्ष्य अगले 2 साल में पूरा कर पाएंगे, यही हमारा सपना है। साथ ही में डाइकिन के द्वारा हमने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम यहाँ पर टॉयलेट्स बनाए, स्वच्छता को लेकर हमने काम शुरू कर दिया। ये काम अभी तक खत्म हो जाता अगर कंस्ट्रक्शन पे NGT ने रोक ना लगाई होती, तो इसका भी काम शुरू हो गया है और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट्स हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनाएं। साथ ही में ये सारे काम तो CSR फंड के द्वारा थे। इसके साथ जो हमारा सबसे बड़ी समस्या है ईस्ट दिल्ली की, वो है गाजीपुर लैंडफिल। उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार इसमें जरूर कोई ना कोई कदम उठाएगी, लेकिन सबसे पहला कदम उठाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए MP LAD फंड के द्वारा हमने 7-8 कंपोज मशीन को ऑर्डर दे दिया, जिससे हम कूड़ा वहीं पर जमीन पे खत्म कर सके। साथ ही एक EDMC का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है त्रिलोकपुरी में, जो कई सालों से बंद पड़ा था, जो बच्चे वहां यूज कर सकते थे, वहां पर कई गलत तरीके के काम भी हो रहे थे, वो उधर एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाना कभी काम हमने MP LAD फंड के थ्रू शुरू किया है। ऐसी फैसिलिटी जो आपको यूरोप में मिलती है या फिर साउथ अमेरिका में मिलती है, तो हम चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में इसके बाद हर विधानसभा में इसी तरीके की स्पोर्ट्स फैसिलिटी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि इस देश को एक स्पोर्टिंग नेशन बनाने का, वो हम पूरा कर सके। बाकी जहां तक ये ईस्ट दिल्ली हब की बात है, ये हमारी ईस्ट दिल्ली की जनता के लिए एक ऐतिहासिक दिन है कि जब आपको एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलेगी, आप हर तरीके से सक्षम रहेंगे, इसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आप सभी लोग यहां पर आए, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।